जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी, पुलवामा एनकाउंटर में दो मिलिटेंट्स को मार गिराया, पुलवामा में बाहरी मजदूरों पर हमले में भी थे शामिल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में फौज के स्कूल में हिजाब तनाजे पर सियासत तेज, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने कहा हिजाब मजहबी जिम्मेदारी है, स्कूल ने अपने ऑर्डर में बदलाव करते हुए हिजाब की जगह नकाब लिखा। मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीएसएफ के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, कूच बिहार जिले के एमपी को हुक्म, बीएसएफ को बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर घुसने ना दें। पीएम मोदी का असम दौरा, आज दीपू में शांति और विकास रैली का करेंगे खिताब, डिब्रूगढ़ में कैंसर अस्पताल का अफ्तताह और 7 अस्पतालों का रखेंगे संग बुनियाद। यूपी में मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटाने का सिलसिला जारी, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर इल्जाम, जात और मजहब देखकर बुलडोजर चला रही है सरकार। एक शख्स के कत्ल के बाद नोएडा के लॉस्ट लेमन बार पर लाइसेंस सस्पेंड, बाउंसर्स ने पीट पीट कर किया था कत्ल, 7 मुल्जिम गिरफ्तार। रूस यूक्रेन जंग का 64वें दिन भी हमले जारी, यूएन महासचिव कुरेटेस यूक्रेन पहुंचे, रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस सप्लाई रोकी, जेलेंस्की ने बताया ब्लैकमेलिंग।